सिंघू बॉर्डर पे जहां किसान पिछले एक महीने से इस कड़कड़ाती ठुठुरती ठंड में सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, तो आइए हम बात करते हैं इन किसानों से कि 2021 में इनके क्या क्या रेजोल्यूशन हैं या अपने आंदोलन को किस तरीके से आगे की रणनीति के तहत आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह है जी। तो आप यहाँ कितने दिन से हैं? हमको तो 10 दिन हो गए हैं, मगर आज 36 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को। तो आपके लिए मतलब आप पिछले कई साल से मतलब नया साल में कुछ ना कुछ करते होंगे, तो आपके लिए ये नया साल पिछले नए सालों से किस तरीके से अलग है? ये तो अभी 2020 है, ये सबसे माड़ा ही रहा है। जो शुरू होया पहले कोरोना ही, हूँ मोदी ने पंगा पाता, ये माड़ा रहा, सबसे माड़ा साल ये रहा है 2020। पिछले नए सालों में क्या क्या करते थे? पिछले नए साल भी इदा ही आडे नंगे, कोई चंगा दे नंगे नहीं साडा नवा साल। आपके लिए 2021 में आप क्या सोच पा रहे हैं? 2021 सन ते अहीं तां ही मनावांगे जे इत्थों काले कानून रद्द करके जावांगे, ते 2021 सन अहीं पंजाब च ही जाके मनावांगे। आपका नाम? राजपाल सिंह। आप आ गया जी, थोड़ा सा आ गया जी। तो आप यहां कितने दिन से हैं? हम 20 दिन से हैं। तो आप 20 दिन से यहाँ हैं, तो किसान आंदोलन में जब 20 दिन से हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आप अनुभव कर पा रहे हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके की आप मतलब समस्याओं से आप जूझ रहे हैं जो आप आमतौर पे नहीं जूझते हैं? समस्या तो कोई नहीं है, हम तो बहुत सारा खान पीन के लिए सामान बहुत है हमारे पास, कोई समस्या नहीं है जहाँ पर। तो आप 2021 में जो नया साल अब शुरू होने वाला है, कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही मतलब देर में शुरू हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, तो आप इस चीज को 2021 को कैसे ले रहे हैं कि 2020 तो सबके लिए बुरा रहा, 2020 में जैसे आप बता रहे हैं कि मोदी ने कृषि बिल लाया, तो 2021 में आप क्या 2021 से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार काले कानून रद्द करे, तो हम नया साल जाके अपने गाँव में मनाए। और आपका क्या नाम है दादा? आ गया जी। अकी सिंह, पिंड राजोगे। दादा आप यहाँ कितने दिन से हैं? हाँ जी, 1 महीने तो खुल चलिया। एक महीने से आप ऊपर से हैं? 10 महीना उधर लगाया है। हम लोगों को कोई खुशी नहीं नवे साल की जब तक कानून नहीं बदलेगा। दादा मतलब जिस तरीके से शुरुआत में यहाँ दिक्कतें थी, आप लोग आ रहे थे जब पंजाब से, जिस तरीके से पुलिस का दमन था, हाँ। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी कहना बहुत परेशानी दिया पुलिस ने। और अभी क्या स्थिति है? अभी दा भी एक तरह को बोल दिया, हम लोग को कौन चाहेगा खुशी है जब एनचोद मानता नहीं, मनेगा तो खुशी आएगा। हम लोग तो देखो कितना लोग आग सेकने दिया है, ठंडा में मरने दिया है, वो लोग को कोई चिंता नहीं पब्लिक का। ऐसा राजा थे, एक दफा हो रहा तब हम लोग मर मुरझिएगा। आपकी उम्र कितनी है? 60-65 साल। तो जब आप ये देख सकते हैं कि 65 साल के बुजुर्ग इस आंदोलन में हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में इस आंदोलन में करीबन 40 लोग से ऊपर शहीद हो चुके हैं, हाँ। और उसमें इस कड़कड़ाती ठंड में ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो 1 महीने से ऊपर से यहाँ हैं, तो ऐसे में सोचना चाहिए कि ये कितनी मतलब सरकार निष्ठुर हो चुकी है। जमींदार का मसला हल करे, क्यों परेशानी में बूढ़ा आदमी गुजरता है। तो आप 2021 से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद क्या बोले, जब खुशी नहीं, अभी एक दो नंबर दो तो मनना है, जब तीसरा नहीं मनने तो खुशी कौन सहेगा? जब आप में पेट में भूख लगा है, सरकार जो मर्जी करे 21-22 का क्या खुशी है? आप ये उम्मीद करते हैं कि मतलब 2021 में मोदी सरकार ये बात सुनेगी आप लोगों की? क्या मालूम उसका मर्जी का बात है, वो मन का बात करने दिया है, वो मानेगा, वो तो मन के बात करने दिया है। तो आप इससे आप मगर मान लीजिए मोदी सरकार ने बात नहीं मानती है, मोदी ये बात नहीं मानते हैं, तो आप किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो हमारे किसान यूनियन के नेता है वो हमें जैसा बताएंगे वैसे हम आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन उसे मानना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे थे दादा? हम बोला इडली मरेगा मोदी के पास ही, तो ये भूखा मरे दया मरे मरेगा मोदी के पास ही हमारे साथ, जान को खुशी छोड़ना पड़े। तो ये लोग हैं जो यहाँ पिछले 1 महीने से अधिक हो चुके हैं, जो डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार भी लगातार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। अब ये देखना होगा कि ये किस तरीके से मतलब कहाँ जाके ये आंदोलन रुकता है, कहाँ सरकार झुकती है, किसान अपनी मांग पर अड़िग है, सरकार अपने फैसले पर अड़िग है, तो अब ये देखना होगा कि आंदोलन किस करोड़ बैठेगा। शुक्रिया।